फ्यूचर इनह हाय दिस इज विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इनहेंस फ्रेंड्स टूडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू क्रिएट ए स्मार्ट डायरी यूजिंग नोटपैड फ्रेंड्स जब हम लोग ऑफिस में काम करते हैं या इवन इन द होम हम नोट्स बनाते रहते हैं एंड द मोस्ट यूजेबल या मोस्ट फ्रीकुटली यूज नोट्स एप्लीकेशन इज द नोट पैड जहाँ पर हम नोट्स लिखते हैं ठीक है ना आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज नोटपैड टू क्रिएट ए स्मार्ट डायरी या स्मार्ट बुक आप बोल सकते हैं लेट्स सी कैसे करते हैं सो so, ये मैंने एक फोल्डर लिया हुआ है एंड दिस इज आई हैव क्रिएटेड ए फोल्डर माई टूल्स आप कुछ भी फोल्डर ले सकते हैं या किसी भी लोकेशन पे आप नोट पैड क्रिएट कर सकते हैं लेट्स क्रिएट ए नोट पैड फर्स्ट सो मैं क्या करूँगा राइट क्लिक करूँगा आई जस्ट गो टू न्यू एंड आई जस्ट गो टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और मैं इस नोटपैड का नाम देता हूं ऑफिशियल नोट्स एंड दिस इज अब इसमें क्या करना मैं आपको बताता हूं देखिए क्या करना आई जस्ट राइट डॉट एल ओ जी ये ध्यान रखिएगा डॉट एल ओ जी आपके या लॉग आपके कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए तभी यह आपका काम करेगा आई जस्ट प्रेस कंट्रोल सेव कर दूंगा आई जस्ट क्लोज दिस वन मैं जब भी नेक्स्ट टाइम इसे ओपन करूँगा So, आपने देखा ऑटोमेटिकली अभी का डेट और टाइम जो आपका सिस्टम पे वो पिक हो रहा है आई कैन राइट एनी नोट्स सो दिस इज माई फर्स्ट नोट कंट्रोल एस मैं क्लोज कर देता हूं अब जब भी नेक्स्ट टाइम इस फाइल को आप ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस टाइम का आपके डेट और टाइम पिक हो जाएगा और ये डेट और टाइम जो आपके सिस्टम में जिस फॉर्मेट में आपका सेव्ड है वही आएगा ठीक है ना नाउ सो दिस इज माई सेकेंड नोट सो so, इसमें फायदा क्या होगा कि आप अगर फ्यूचर में कभी रेफर करेंगे कि ये नोट्स मैंने कब लिखा था सो so ये नोट्स आप रेफर कर सकते हो क्योंकि इसमें हर एक नोट के पहले आपका डेट और टाइम आ रहा है सो so, मैं कंट्रोल एस करता हूँ ठीक है ना नाउ आई जस्ट प्रेस डबल कोट्स सो ये ऑटोमेटिकली आपके बार बार आपके डेट और टाइम आता रहेगा इसमें आपको मैनुअली डेट और टाइम लिखना भी नहीं है क्योंकि मैनुअली अगर आप लिखने जाओगे तो उसमें आपके मिस्टेक्स हो सकते हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है कुछ और मिस्टेक हो सकते हैं इसमें क्या है आपको सिर्फ नोट्स लिखना है और ये काफ़ी स्मॉल साइज़ में होगा और आप किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं बी ईड बी होम और बी ईड बी इन योर ऑफिस सो आप जो भी नोट पैड अभी आप आज तक आप यूज़ करते आ रहे थे जस्ट राइट डॉट एल ओ जी और इसमें आप कर सकते हैं और ये आप एग्जिस्टिंग नोटपैड में भी कर सकते हैं कोई भी अगर आपने नोट पैड पहले से बना के रखा हुआ है जस्ट टाइप डॉट एल ओ जी इन द बिगनिंग और ये कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए इतना ध्यान रखिएगा सो फ्रेंड्स आई होप ये छोटा सा मैजिकल ट्रिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और आपको ये जरूर काम में आएगा यू विल जस्ट यू कैन इम्प्लीमेंट दिस ट्रिक इन योर ऑफिस और अपने कलीग के साथ भी शेयर कीजिएगा सो आई होप यू आर श्यरिंग आवर चैनल और आपने अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स सो इट विल कीप अस मोटिवेटेड टू क्रिएट मोर वीडियोज़ लाइक दिस थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे